मैं जानती हूँ कि आप जानती हैं कि मैं क्या कहने आई हूँ। शुरुआत आपकी जीत की बधाई के साथ ही करते हैं। मेरा पति एक परफेक्ट घर जमाई बन गया मम्मा। बना दिया ना आपने? गस्ते अपनी ही माँ को जेल भेजने के लिए तैयार हो गया और ये सब करते हुए उसको कितनी तकलीफ हो रही है ये मैंने उसकी आंखों में देखा है और मम्मी जी को वहां जाने में कितनी तकलीफ हो रही है ये मैं उनकी आंखों में देख कर आ रही हूँ। अब जानती हैं कितना टॉर्चर हो रहा है मेरी सास के साथ? मान जाइए ना प्लीज। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? उनको जेल भेजकर मेरे मायके की तो जीत हो गई मम्मा, लेकिन ससुराल हार गया। आपको पता है घर में सब लोग मम्मा, अगस्त्य, केतन चाचा, मनी, आरुषि, राशि, यहाँ तक कि भैया भी सफर कर रहे हैं सिवाय आपके इस घर में। क्यों? और आपको अच्छा लगेगा क्या जब लोग ऐसे कहेंगे कि वो देखो अतरंगी गुड्डन जिंदल की बेटी छोटी गुड्डन ने घर में आते ही शादी करते ही सब तहस नहस कर दिया, पूरा घर बर्बाद कर दिया, पूरा परिवार तोड़ दिया। सुन लेंगी क्या आप ये सब? अच्छा लगेगा आपको? आप तो सुन भी लेंगी ना, आप तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं आपके जैसी नहीं हूं मम्मा, भले ही गुड्डन हूं लेकिन आपसे बहुत अलग हूं। और ये जैसी भी हूं ना, ये भी आप ही का हिस्सा है, आप ही का दिया दिल है। ये नहीं अच्छा लग रहा है मुझे कुछ भी देखकर, ये सब नहीं देखा जा रहा मुझसे, इस तरह मेरा परिवार टूटते हुए नहीं देखा जा रहा। ना रात को नींद आती है, ना दिन में भूख लगती है, कुछ नहीं। खाना भी बनाना छोड़ दिया, कुकिंग करनी छोड़ दी, क्योंकि सारा दिन ना दिमाग में सिर्फ टेंशन रहती है मम्मा। ससुराल की, अगस्त्य की, हमारे हमारे बच्चे की और आपकी, इतना ही तो चाहती हूँ ना कि ये पूरा परिवार खुश रहे, आप भी यहाँ पर खुशी से रहे। प्लीज छोड़ दीजिए ये सब, प्लीज मान जाइए, प्लीज। दिल छोटा है तुम्हारा छोटी, लेकिन बातें बहुत बड़ी। एक बात बताओ हमें, जब कोई इंसान, कोई गुनहगार कोई गलत काम करता है तो उसका भी कोई अपना होता है ना? रिश्ते होते हैं, परिवार होता है। हर गुनहगार की माँ होती है, बेटा, भाई, बहन, पति, पूरा परिवार होता है छोटी। लेकिन अगर इन सब का सोच के उसे माफ कर दिया जाए तो उसे तो कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा ना, वो तो कभी सुधरेगा ही नहीं। हमारी बनाई इस दुनिया में तो कभी इंसाफ नहीं होगा ना। फिर तुम भी तो हमारी बेटी हो ना, तुम्हारी माँ है, पति है, भाई है, तुम्हारी डीजे है, तुम्हारा होने वाला बच्चा है छोटी। लेकिन पुष्पा जी ने जो तुम्हारे साथ किया उससे तुम्हारी भी तो जान जा सकती थी ना, हम तुम्हें खो सकते थे ना छोटी। हमारे इंसाफ का क्या, उस परिवार का क्या जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बोलो छोटी। पुष्पा जी तो ये सब नहीं सोच रही ना जो तुम सोच रही हो छोटी। हम, तुम, अगस्त्य उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं बेटा, हम सिर्फ उन्हें गलत करने से रोक रहे हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें गलत करने से नहीं रोकेंगे तो तुम जानती हो वो क्या करेंगी, वो फिर से कोशिश करेंगी और वो तुमसे तुम्हारा बच्चा भी छीन सकती हैं, तुम जानती हो ना, मानती हो कि नहीं? छोटी कानून बने हैं क्योंकि जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है हमें। ये सब चीजें इसलिए बनी है ताकि जब कोई जुर्म करे तो उसे उसकी सजा मिले, वो इंसान सुधरे। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? और तुम हमसे कोई अलग नहीं हो,
बस छोटी हो, क्योंकि जब हम तुम्हारे जितने थे ना, हमने भी यही किया था। अपनी जेठानी गंगा भाभी को हमने ऐसे ही माफ कर दिया था। दिल भारी हो गया था, इमोशंस में आके कर दिया। लेकिन क्या नतीजा मिला? वो नहीं बदली, और बदले की भावना में आकर उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हम तुमसे 20 साल के लिए अलग हो गए। छोटी, तुम्हारे पापा हमारे जिंदल साहब को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया हमने। तो तुम्हें बताओ, उन्हें माफ करने का हमारा फैसला सही था? बहुत महान काम किया हमने। इंसान की फितरत बदलनी होना अगर छोटी, तो इंसान को बदलना पड़ता है, उसकी सोच बदलनी पड़ती है, उसे उस गलती का एहसास कराना पड़ता है जो उसने की है। अगस्त ने बहुत हिम्मत दिखाई है छोटी, बहुत बड़ा फैसला लिया है उसने। कुछ गलत नहीं कर रहा है वो। प्लीज छोटी, तुम उसका साथ दोगी, उसकी कमजोरी नहीं बनोगी, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओगी। सुन रही हो ना तुम? कुछ कह रहे हैं हम छोटी, सुन रही हो ना तुम? ठीक कह रही हैं आप। अगस्त्य ने अपने जमाई होने का फर्ज निभाया है, आपने अपने माँ होने का फर्ज निभाया है। अब फर्ज निभाने का वक्त मेरा है, एक बहू होने का फर्ज। अब मुझे जो सही लगेगा ना मम्मा, मैं वही करूंगी। हमारी हमेशा हर मन्नत पूरी की है लॉर्ड कृष्णा, और हमने हमेशा दिल से आपका शुक्रिया अदा किया। कभी एक पत्नी बनकर, कभी एक बहू बनकर, तो कभी एक सास बनकर, लेकिन आज आपने एक माँ की मन्नत पूरी की है। हमारी बेटी को सारी खुशियां देकर आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है लॉर्ड कृष्णा। छोटी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजकर बहुत बड़ी खुशी थी। उन सबको सजा मिलेगी। बस अब इस नए साल में हमारी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा लॉर्ड कृष्णा, बस इतनी सी प्रार्थना। अगस्त्य, आरव, राशि, जल्दी आओ बेटा, पूजा का वक्त हो गया है। छोटी दिखाई नहीं दे रही? छोटी कहाँ है? ऋषि कहाँ है गुड्डन? पता नहीं भाई, मुझे लगा भाभी किचन में होंगी। राशि बेटा, मम्मा कहाँ है? आई डोंट नो पॉप्स। अरे आप घबराइए मत जीजू, मकर संक्रांति के लिए किसी काम से बाहर ही गई होगी। आप सब जानते तो हैं छोटी को। बड़ी माँ, आप पार्टी शुरू कीजिए, छोटी आती होगी। काश आरती के वक्त तुम हमारे साथ होती छोटी। Thank you.
सब यहाँ कैसे? आप सबको जेल से किसने निकाला? जवाब दो, किसने निकाला तुम्हें जेल से बाहर? सोना, तुम सोना आ गई? तुम सोना, सोना तुम ठीक हो ना? हाँ जी, हम बिल्कुल सही हैं। कान्हा जी की कृपा है सब, आप तो जानते ही हो। हमने जीजी के बराबर कांड नहीं किए थे ना, तो हमें इतने डरने नहीं पड़े। हाँ, लेकिन मनी कहाँ है? तुम्हें पता है, मनी ने तुम्हारी खातिर अगस्त्या से बहुत झगड़ा किया और अभी भी तुम्हारी वापसी की खातिर मंदिर गया है प्रार्थना करने के लिए। मेरा मनिया, कि पति पत्नी का मेल खत्म हो गया हो तो जवाब देंगी आप? किसने निकाला तुम्हें जेल से बाहर? कुछ पूछ रहे हैं हम, कौन लाया है तुम्हें यहां? मैं लेकर आई हूं। हो गया तुम्हारा छोटी, इसकी सच्चाई पूरा परिवार जान गया, इसका बेटा जान गया और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या जिद लगाई बैठी हो तुम? कितना समझाया ना तुम्हें, क्यों लाई उन्हें वापस? हाँ क्यों? और तुम ये नकली टेस्ट हुए बहाना बंद करो। अब तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार को बहुत अच्छे से पता चल गई है, इस बार कोई नाटक नहीं चलेगा। और ये हमारी बेटी को गुमराह करने की तुम्हारी कोशिश अब कामयाब नहीं होगी। क्या खाकर पैदा हुई हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आती? इतना सा भी प्यार करती हो ना, इतना सा भी मोह है अपने परिवार से, अपने बेटे से, तो अपनी सजा कबूल करके प्रायश्चित करती तुम। मम्मा प्लीज, अब आप मम्मी जी से और कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज। मुझे नहीं चाहिए कोई इंसाफ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो ये कि मेरा पूरा परिवार साथ में रहे।
और वो तभी होगा ना जब चाची जी मम्मी जी सब इस घर में रहेंगे। और ये सजा इंसाफ ये सब खत्म कर दिया अब मैंने, अपना केस भी वापस ले लिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बिना ले लिया? क्या कर रहे हो अगस्त्य? सब लोग जाइए यहां से। अपनी बेटी से बात करनी है हमें। चलो जी। लगता है तुम्हें छोटी, हमारे अंदर ही जो इतना गुस्सा भरा पड़ा है उसकी कोई वजह नहीं है? देखो, देखो ने। इन्होंने हमेशा हमें धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया है, और फिर उस रास्ते पर चाहे कोई अपना भी हो ना, तो हमें वही करना चाहिए जो कि सही हो। पुष्पा बिरला को सजा मिलनी जरूरी है छोटी। तुम्हें क्या लग रहा है छोटी, तुमने जो किया है ये बहुत सही किया है? ये तुम्हारी सास सुधर जाएगी, अपना लेगी तुम्हें? अगर ऐसा लगता है ना तो ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके मन में तुम्हारे लिए नफरत थी और नफरत ही रहेगी। एक चांस तो देके देख सकते हैं ना उन्हें, क्या पता मम्मा वो बदल गई हो। चेहरा देखिए, आपको नहीं लगता क्या कि वो उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है क्या? लोग अगर ऐसे बदलते होते ना छोटी, तो उन्हें सजा दिलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये कानून की कोई जरूरत ही नहीं थी छोटी। पुष्पा बिरला है वो कभी नहीं सुधरने वाली छोटी। पछताओगी तुम छोटी, ये ना बहुत बड़ी गलती की है तुमने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। मैं नहीं जानती मम्मी जी बदली है या नहीं, नहीं जानती कि उन्हें मेरे इमोशंस की कद्र है या नहीं, लेकिन लॉर्ड कृष्णा मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहे, पूरा परिवार साथ में रहे। ये नए साल की खुशियां मैं इसे अधूरे परिवार के साथ नहीं मना सकती हूँ। आई होप मम्मा और अगस्त्य मुझे समझेंगे। सब समझता हूँ मैं, इस घर में वापस आने के पीछे आपका जो मकसद है ना, मैं सब समझता हूँ। अब गुड्डन को बेवकूफ बना सकती है मुझे नहीं। और क्या क्या कह के और बहला फुसला के वापस आई हैं? आंसू तो जरूर निकाले होंगे ना वहां आपने, और बेचारी मेरी गुड्डन पिघल गई होगी। चिकू हमारी बात सुनो। बात सुनने का टाइम आपका है माँ, मैं बहुत सह चुका हूँ ऑलरेडी, अब और नहीं। और अगर आपके दिमाग में हमारे बच्चे और गुड्डन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी प्लानिंग चल रही है ना माँ, तो कसम से अच्छा नहीं होगा। वार्न कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इस बार ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।